नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस एवं आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंबेडकर पार्क आजमगढ़ में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में माननीय मंत्री नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरी रोजगार एवं गरीब उन्मूलन ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार अरविंद कुमार शर्मा जी द्वारा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान किया गया। तत्पश्चात माननीय मंत्री जी द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थानी समूह नृत्य अगरसेन कन्या इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा वंदे मातरम गीत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत, जागृति संस्थान द्वारा कथक नृत्य की प्रस्तुति की गई, जो काफी सराहनीय रहा। इस अवसर पर माननीय मंत्री नगर विकास एवं ऊर्जा अरविंद कुमार शर्मा जी एवं माननीय सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थी लक्ष्मी देवी, भगवानी देवी, साधना देवी, शोभा देवी एवं रंभा देवी को आवास की चाबी एवं गुड्डी प्रजापति अजय मौर्या, छुहरी देवी, गायत्री देवी एवं साधना चतुर्वेदी को आवास का प्रमाण पत्र, विगत वर्षों में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सामाजिक कार्यों में सराहनीय योगदान देने में डॉक्टर रणधीर सिंह प्रधानाचार्य उद्योग विद्यालय इंटर कॉलेज कोलसा, डॉक्टर संगीता सिंह प्रधानाचार्य अगरसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़, रजनीश कुमार सिंह प्रधानाचार्य अभिनव विद्यालय तेरही कप्तानगंज एवं श्रीमती अनीता राय प्रवक्ता जीव विज्ञान राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ को सम्मानित किया गया। इसी के साथ ही जनपद में हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाले अंकित यादव अभिनव विद्यालय तेरही कप्तानगंज प्रथम, कुमारी श्वेता पटेल राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ द्वितीय एवं चंदा राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तृतीय व इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक पाने वाली आदित्य श्रीवास्तव अभिनव विद्यालय तेरही कप्तानगंज प्रथम, संदीप मौर्य अभिनव विद्यालय तेरही कप्तानगंज द्वितीय एवं सालू गुप्ता अभिनव विद्यालय तेरही कप्तानगंज तृतीय को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। माननीय मंत्री ने बताया कि पूरे देश भर में देश प्रेम की लहर चल रही है, हर घर तिरंगा उत्सव में पूरा देश राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत हो गया है। माननीय मंत्री जी द्वारा वायुवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं शौर्य चक्र विजेता जयराम बिंद को आम जनता देश एवं प्रदेश की तरफ से नमन किया गया। माननीय मंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को तिरंगे के एक सूत्र में बांधा है। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान हमारा तिरंगा है, इसके माध्यम से हमने एक पखवाड़े में अपनी ताकत हर घर तिरंगा के माध्यम से दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश को पिछले 8 वर्षों में सशक्त बना दिया है और हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन जाने से आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी घट गई है एवं प्रदेश सरकार द्वारा आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय का निर्माण कराया जा रहा है और मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। इसी के साथ ही एक जनपद एक उत्पाद में आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी ने अपनी पहचान प्रदेश स्तर पर स्थापित की है और अब इसमें मार्केटिंग बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं उत्तरी भारत को सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और शिक्षा व्यवस्था को भी दुरुस्त करने की जरूरत है। माननीय नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि देश को आज़ाद कराने में हमारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने सीने पर गोलियां इसलिए खाई कि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्रता के साथ खुली हवा में सांस ले सके। और आज हम सभी को संकल्प लेने की जरूरत है कि गरीब एवं जरूरतमंद लोगों की मदद करें। माननीय सांसद आजमगढ़ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि इस तरह के देशभक्ति के कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए, ऐसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जाएं। उन्होंने कहा कि हमारे देश को स्वतंत्र कराने में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बलिदान को कभी नहीं भूला जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहने की जरूरत है। अंत में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने कार्यक्रम में बहुमूल्य समय देने के लिए माननीय मंत्री नगर विकास शहरी समग्र विकास नगरी रोजगार एवं गरीब उन्मूलन ऊर्जा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार अरविंद कुमार शर्मा जी को धन्यवाद दिया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने आयुक्त मंडल आजमगढ़, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला जज को आभार व्यक्त किया
एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में जिन छात्र छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको बधाइयां दी एवं जिन अध्यापकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं को तैयार किया उनको भी धन्यवाद दिया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समस्त संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को भी धन्यवाद दिया। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। कन्या इंटर कॉलेज से अनुरोध करेंगे कि वो छात्राएं अपने देशभक्त करो अपनी प्रस्तुति देंगी। अभी से सर आज 75वां वर्ष आजादी मना रहे हैं, क्या सब करना चाहेंगे? आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे मैं पूर्वांचल के सभी लोगों को, आजमगढ़ जिले के सभी भाइयों बहनों को, अपने सभी प्रदेशवासियों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज़ादी के इस अमृत पर्व पे जब 75 साल हो गया है, ऐसे समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे जो हर घर तिरंगा यात्रा का अभियान चला, उसके चलते देश में राष्ट्र प्रेम की एक बहुत लहर, बहुत बड़ी लहर पैदा हुई है। वो लहर इतनी प्रचंड है कि हर गांव में, हर गली में, हर शहर में, हर कस्बे में, हर बच्चे के हाथ में, हर बुजुर्ग के हाथ में ध्वज दिखाई दे रहा है, तिरंगा दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने पूरे देश को तिरंगे के एक सूत्र में बांधा है। हम सब अपने स्वतंत्रता सेनानियों के, अपने शहीदों के कृतज्ञ हैं कि उनके बलिदान के चलते हम सब इस स्वतंत्र हवा में सांस ले पा रहे हैं। मैं उनको इस मौके पे याद भी करता हूँ, नमन भी करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। उनके सपनों को पूरा करना, उनके सपनों में आज जो भी अब करना है वो करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारी पीढ़ी पे है, हम लोगों के कंधों पे है। और इसलिए और भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम और भी आगे कमर कस के काम करने के लिए नए सिरे से संकल्प लें। यही शायद इस अवसर की सबसे बड़ी मांग है, सबसे बड़ी अवसर है। मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। सर आतंकवाद पूरे देश मना रहे हैं, आप क्या संदेश देंगे? अभी आप सब लोग सुन रहे थे माननीय मंत्री जी, हमारे के शर्मा जी ने संबोधित किया और पूरी तरह से मतलब कोई एंगल छोड़ा नहीं, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे जब हमारे वीरों ने आहुति दी, अपने प्राणों की आहुति दी, तब जा कर के हमें आज़ादी मिली। और आज़ादी मिलने के बाद भी जिस तरह से गुंडे माफियाओं का राज चलता था, जिस तरह से जनता के हक के पैसे को, जनता के हक की जो चीज़ें थी उसको वो लोग हड़प लेते थे, उससे भी आज़ादी मिल गई है आजमगढ़ को। तो ये हमें बरकरार रखना है। और ये जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत बड़ी है कि जो हमारे दिल में भाव होता है वो हमें व्यक्त भी करना चाहिए। जब हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं कि बाबू हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हम अपनी माँ को प्यार करते हैं तो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपके बिना जी नहीं सकते, ये सब बातें हम करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे हर हिंदुस्तानी के मन में जो अपने देश के प्रति प्रेम है वो भी व्यक्त होते रहना चाहिए। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण पेश किया है इस अमृत महोत्सव में पूजनीय प्रधानमंत्री जी ने, जो आह्वान किया उस पर आज आप देखिए कि हर हिंदुस्तानी के हाथ में तिरंगा दिख रहा है, हर घर पे तिरंगा दिख रहा है। हर घर तिरंगा का आह्वान था, लेकिन आज हर गाड़ी पे, हर घोड़ा पे आप जहाँ जाइए वो देख के बड़ी खुशी हो रही है कि मतलब जो हमारे दिल में था वो आज उद्गार के रूप में बाहर भी आ चुका है। और पूरी दुनिया ये देख रही है कि किस तरह से एक तिरंगे झंडे के नीचे पूरा हिंदुस्तान जो है खड़ा हो गया है। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा उत्सव है और इसको हम ऐसे ही मनाते रहे। 1857 के आंदोलन में आजमगढ़ के कुंवर सिंह उदयन का काफ़ी योगदान है, उसके स्मारक पर एक कपड़ा तक नहीं डाला गया, एक साफ तक नहीं किया गया, डीएम कार्यालय के जस्ट बगल में है, क्या कहेंगे? ऐसा अगर कोई है तो उस पर काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही धूल चढ़ा हुआ स्मारक पर, एक कपड़ा तक नहीं साफ किया। कभी कभी होता है, देखिए कभी कभी होता है कि कहीं पर कोई अगर चीज़ें छूट गई है तो उसको ठीक कर लेंगे, कर लिया जाए।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।